तो भाई अभी हम लोग यहाँ से चलना शुरू कर दिए गोरी कुंड तक। हम लोग होटल लेकर रुके थे, ठीक है, तो अभी हम लोग चलना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग चल रहे हैं, चलकर एकदम मंदिर के पास जा रहे हैं। और जैसे ही मैंने आप लोग को बोला था, ये पास श्री पास का जो झंझट है अभी वो सब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर के पास, सुबह उठकर हम लोग जा रहे हैं। अभी बज रहा है 9, पता नहीं कब तक पहुँचेगा उधर, ठीक है। मैं चलते चलते आप लोग को हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, कि क्योंकि देख सकते हो हम लोग सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा मिलेगा जगह, तो मैं वहीं पर खड़ा होकर आप लोग के लिए वीडियो बनाते जाऊँगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देखो यहाँ का व्यू कैसा है क्या नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं हम लोग कितना टाइम लगता है हम लोग को मंदिर के पास जाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग चलना शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो देखो। तो भाई अभी हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग चल चल कर जा रहे हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं मंदिर के पास। और गिर गया और मेरा थोड़ा सा सामान सुनू भाई ने पकड़ लिया, लाठी पाठी सुनू भाई ने पकड़ लिया, क्योंकि ग्रुप ऑफ हेड है ना इसीलिए। और इधर देख सकते हो आप लोग, अगर आप लोग को घोड़ा फोड़ा चाहिए तो इधर आप लोग को मिल जाएगा, इधर भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और पता घोड़ा का प्राइस क्या, अगर कोई आना चाहता है तो 2300 पर्ची रेट और सरकारी रेट 2300 रुपये आप लोग का पड़ेगा। और जो कंधे पे लेकर जाते उसका प्राइस क्या होगा? तो होगा ऐसे 5-6 हज़ार, उसका प्राइस 5-6 हज़ार होगा। थैंक यू भैया। ट्रॉली वाले का 10 हज़ार, और ट्रॉली वाले का 10 हज़ार भैया ने बोला। थैंक यू भैया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चल चल कर। अभी मैं आप लोग का सामने का व्यू थोड़ा दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो आप लोग अरे यहाँ से आप लोग व्यू देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, चलते चलते मैं आप लोग को भी दिखाते जाऊँगा, ठीक है। ये ब्लॉग थोड़ा शायद बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मैं जितना हो सकता है उतना कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कि थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा कर और बाकी के चीज़ मैं आप लोग को ना दिखाऊँ, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, तो और आप लोग अभी सामने का व्यू देखो, यहाँ से आप लोग व्यू देखो क्या लगता है। और अभी तो हम लोग पूरी तरीके से ऊपर तक नहीं पहुँचे, ऊपर पहुँचते पहुँचते मैं आप लोग को हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग देखो अभी हम लोग यहाँ तक चढ़कर आ चुके हैं, वहाँ से चढ़कर आए थे और अभी यहाँ तक आ चुके हैं। अभी और भी बहुत बहुत रास्ता है, थकान महसूस हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग चले हैं, चलते चलते मंदिर तक चले जाएंगे। तो आप लोग अभी सामने का व्यू देखो। तो भाई अभी हम लोग थोड़े ही दूर आए और फिर इधर हम लोग रुक कर थोड़ा फटाफट खींचे, ठीक है। अभी भी और भी बहुत जगह है, हमारे ग्रुप लीडर को देखो लाठी पकड़ कर अभी चल रहे हैं, हम भी एक लाठी पकड़ लिया। अगर किसी को भी लाठी चाहिए वो 30 रुपया लेगा, और घोड़ा और जो कंधे पर लेकर जाते उनका रेट तो मैंने आपको उन्हीं से ही पूछ कर बता दिया, ठीक है। तो इतना आप लोग के लिए यहाँ आकर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो अभी और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर कोई मास्क नहीं लगाया, लेकिन तू क्यों लगा कर जा रहे, कोई उसका रीज़न है। मैं नहीं चाहता कि हम कोई भी रिस्क ले, ठीक है, क्योंकि अभी ही पास का झंझट ख़त्म हो गया, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर हम लोग उनके साथ अगर मिल जाएंगे कुछ हो जाएगा, इसीलिए हम लोग रिक्स नहीं ले रहे हैं और हम लोगों ने मास्क पहन कर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आगे आप लोग से फिर मिलता हूँ, अभी आप लोग फिर से यहाँ का नज़ारा देखो।
और गाइस इधर देखो, एक बच्चा उधर सो चुका है, लेकिन वो आदमी उसको लेकर जा रहा है। तो गाइस यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार। लोग खाली ऐसे ही नहीं बोलते कि। तो गाइस हमने थोड़ा ही रास्ता पार किया है, अभी और भी ज़्यादा रास्ता है, ठीक है। अभी हम लोग चल चल कर जा रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा थकान महसूस हो रहा है वहाँ पर हम लोग रुक जा रहे हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती आप लोग बिल्कुल एकदम एक बार से चढ़ने की कोशिश मत करो, जितना हो सकता है उतना चढ़ो, फिर थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर से चलना शुरू कर दो, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पर खड़ा हो चुके हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखो और मैं अभी आप लोग को आगे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से आप लोग थोड़ा व्यू देख लो, और ऊपर शायद आप लोग को हेलीकॉप्टर का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एकदम व्यू देखो, लोग गधे पर घोड़े पर बैठ कर आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा दूर आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान महसूस हुआ, तो हम लोग इधर थोड़ा खड़ा हो गए, ठीक है। और हम लोगों ने साथ में पानी का बोतल जो वो लोग लेकर नहीं आए थे, ठीक है। तो इसीलिए हमको थोड़ा पानी नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग इधर खड़े हो गए और थोड़ी देर के बाद फिर चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो भी भाई आता है साथ में पानी बोतल अपना लेकर आना, ठीक है। नहीं तो आप लोग का भी हम लोग का जैसा ही हालत हो जाएगा, ठीक है। और बाद में आप लोग सोचते रह जाओगे कि काश मैं बोतल ले आता और इतना तकलीफ नहीं होता। तो गाइस अब लोग अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर मतलब इधर साइड में ही थोड़ा खड़ा हो गए, और यहाँ से आप लोग व्यू देखो, ठीक है। तो अभी हम लोग इधर से, और मेरा दोस्त अभी उस साइड में उस ब्लॉग बना रहा है अपना, और मैं इधर अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग इधर थोड़ा खड़े हो गए और बैठ जाते हैं इधर, फिर चलना फिर से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एकदम से व्यू देखो क्या दिखता है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग क्या दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद फिर से चलना शुरू कर देंगे, तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो अभी आप लोग थोड़ा सामने का व्यू देखो, मुझे रोका दो। तो गाइस यहाँ पर सब लोग थक गए हैं और इधर आकर थोड़ा नींबू पानी पी रहे हैं। हमारा ग्रुप का लीडर इधर बैठे हैं। तो आपको कैसा लगा यहाँ तक का सफ़र, आपको कैसा लगा? बहुत थकान भरी है। और अगर कोई आएगा तो उनके लिए कुछ पानी का बोतल जरूर लाना, थोड़ा जोर से। ताकत नहीं है हमारे ग्रुप के लीडर के अंदर अभी, ताकत नहीं है, ठीक है। और इधर शंकर भैया देख सकते हो पूरा स्मार्ट शंकर लग रहे हैं। तो इधर लोग घोड़े पर बैठ कर जा रहे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। लोग इधर से बैठ कर जा रहे हैं, अभी और भी रास्ता है, ठीक है। तो भाई अभी तक हम थोड़ा ही रास्ता चल कर आए, देखो और पीछे से आप लोग देखो क्या नज़ारा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी और भी बहुत सारा रास्ता है, लेकिन अभी तक हम लोग थोड़ा ही रास्ता चल कर आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी और भी है, इधर सब लोग हम लोग का वेट कर रहे थे, ठीक है। तो हम थोड़ी देर चल कर आए, फिर यहाँ से अभी चल कर जाना है, और भी दूर है, बहुत दूर है यहाँ से, फिर भी 13 किलोमीटर और होगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ये, और पीछे का व्यू देखो आप लोग, देख लो आप लोग पीछे का व्यू इधर से, शायद आप लोग को दिख भी रहा होगा, इधर धरती स्वर्ग स्वर्ग है स्वर्ग। अरे भाई हमारे लिए थोड़ा नींबू पानी लेकर आ चुके हैं। भाई आपको अभी क्या बोलना है यहाँ तक आने के बाद? हालत खराब हो गया, जन्नत दिख रहा है, जरा दिख के तो जितना थकान था मिट गया, अभी आगे और थकान होनी है। तो
बने रहिए भाई के ब्लॉग में, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई को थोड़ा सपोर्ट करिए, हमको भी सबको, ठीक है। और इधर शंकर भैया और कुछ बोले, शंकर भैया बोलो। अच्छा जय हो शंकरा, शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना। तो गाइस यहाँ से आप लोग पीछे का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग उधर नीचे खड़े होकर फोटो खींच रहे थे, ये जो नीचे दिख रहा है उधर खींच रहे थे, फिर से हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया। तो हम चलते चलते ब्लॉग बना रहे हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहो। किसी को भी अगर चलने में अगर कुछ दिक्कत हो तो तुम लोग कर लो, ऐसा घोड़ा थोड़ा कर लो। अगर कोई हेलीकॉप्टर से भी जाना चाहते हैं तो आप लोग हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। और जैसा मैंने सुना है कि 4300 ना सुन भाई ले रहे हैं हेलीकॉप्टर के लिए, 4300 हेलीकॉप्टर के लिए ले रहे हैं। फिर भी मैं आप लोग को और एक बार बोल देता हूँ, किसी को अगर चढ़ने में कोई दिक्कत है, किसी का अगर सांस फूल जाता है, तो आप लोग घोड़ा या फिर हेलीकॉप्टर या फिर जो कंधे पर लेकर जाते हैं उसका नाम मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पिट्ठू भाई, आप लोग चाहो तो जा सकते हो। उसका किराया आप लोग को 5000 लगेगा और हेलीकॉप्टर का आप लोग को लगेगा 4300। आप अपने मर्जी से आपको जो अच्छा लगे आप लोग वही करना, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। हम लोग थोड़ा और क्लोज आ चुके हैं उधर से, आप लोग सामने से देखो कैसा दिख रहा है, ठीक है, देखो। मेरा गर्व तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है हमको लगेगा, क्योंकि अभी और भी रास्ता है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन क्या करें, उतना हमने तकलीफ भी उठाया है आने के लिए। बहुत मतलब अभी तो कोई भी आ सकता है, ठीक है, मतलब पास पास का झंझट था बहुत ज़्यादा, तो तब से हमने अपडेट करना शुरू कर लिया था कि केदारनाथ का अपडेट क्या है क्या नहीं, ठीक है। मैं आप लोग से आगे मिलता हूँ, अभी मैं थोड़ा चलकर जा रहा हूँ, तो मैं आप लोग से आगे मिलता हूँ, ठीक है। तो चलो, तो भाई अभी हम लोग थोड़ा दूर आ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग व्यू देखो, ठीक है। हम लोगों ने 9 बजे निकले थे और अभी हो रहा है 11:20। दो घंटे में सिर्फ हम लोगों ने 4 किलोमीटर ही चढ़ पाए, ठीक है। अभी और भी रास्ता है, आप लोग पीछे का व्यू देखो, ठीक है। और सुनवाई तो एकदम से थक गए हैं, उनका मुंह देखो अभी भी स्माइल है, क्यों इतना स्माइल है, ऊपर मंदिर जाने के लिए, हर महादेव, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से एक बार व्यू देखो, फिर आप लोग से मैं आगे मिलता हूँ, ठीक है। तो चलो अभी व्यू देखो। मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा। आप लोग मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो अभी हम लोग 4 किलोमीटर सिर्फ चलकर आए, अभी और भी बाकी है, अभी भी हमको और चलकर जाना है, और थोड़ा थोड़ा ऐसे ही रेस्ट करते करते हम लोग पहुँच जाएंगे, हमको शायद घोड़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही चलकर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चले जाएंगे ऊपर। और यहाँ से गाइस आप लोग व्यू देखो यार क्या दिख रहा है, मतलब एकदम सब लोग जैसे बोल रहे थे कि स्वर्ग है स्वर्ग है, हाँ भाई आकर मेरे को आज भी पता चला कि हाँ भाई सच में इधर स्वर्ग है यार। और क्या और इन लोगों का क्या नसीब है जो लोग इधर रहते हैं, और बहुत ही बढ़िया लगा, देखते हैं और भी हम लोग को अभी चलना है,
और हम लोग धीरे 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 करके चढ़ रहे हैं ऊपर, जितना मतलब एक बार में हम लोग जितना चढ़ सकते हैं उतना हम लोग चढ़ कर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर से आप लोग देख सकते हो हेलीकॉप्टर जा रहा है, शायद चला गया। ठीक है, और एक आ रहा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, शायद शायद आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी नहीं आ पा रहा है इधर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग गाइस मेरा वीडियो देखो। ठीक है, मैं मानता हूँ, हाँ, आना और वीडियो में देखना बहुत फ़र्क है, लेकिन क्या करें, अगर आप लोग नहीं आ सकते हो तो आप लोग इधर मेरा वीडियो आराम से देखो। बाकी आप लोग तो देख रहे हो, और हम लोग का जो दो जन है वो लोग आगे चले गए और हम दोनों ही रह गए, क्योंकि वो भी उधर ब्लॉक कर रहा है और मैं भी इधर ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, हम दोनों ब्लॉक करके करते करते धीरे जा रहे हैं। ठीक है, मज़ा लो यहाँ से ही। ठीक है, जो भी लोग को मैं मेरे ब्लॉग में ही दर्शन करवा दूँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं फिर से, और मैं आपको थोड़ी देर के बाद फिर से मिलता हूँ। ठीक है, तो चलो। और एक बार अगर कोई आना चाहता है तो उन लोग के लिए मैं एक वीडियो बना है। ठीक है, पार्ट वन का, मैं सीधा घर से निकला, वहाँ ना के आया। ठीक है, आप लोग यहाँ से व्यू देखो। ठीक है, और जितना हो सकता है मैं उतना आप लोग को यहाँ का जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, वैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ से और भी 10 किलोमीटर है यहाँ से अभी भी, तो हम लोग चल चल कर जा रहे हैं। अभी भी और भी रास्ता है, आगे सोनू भाई चल रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़, अगर आप लोग को कुछ दिक्कत होती तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेडिकल के बारे में। ठीक है, आप लोग को वो भी फैसिलिटी मिल जाएगा। मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, मैं फिर भी पावर बैंक से लगाया, और पावर बैंक से मैंने आप लोग के लिए सोनू भाई पावर बैंक लाए थे, तो उनसे मैंने पावर बैंक थोड़ा ले लिया और आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग इधर बार बार तो नहीं आ सकते। ठीक है, एक ही बार में जितना हो सकता है मैं आप लोग को यहाँ का इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ तो दे रहा हूँ। और इधर भीमबली का मंदिर आप लोग यहाँ से दर्शन कर सकते हो, उस टाइम जो हुआ था उसका ही नतीजा ये सब इधर देख सकते हो, घोड़े वाले खच्चर वाले सब कुछ इधर ही है। और किसी को अगर चाहिए तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोग वहाँ से देखो भाई व्यू। वैसे अगर कोई घोड़ा से अगर जाता है तो वो लोग इस साइड से जाएंगे। ठीक है, और जो लोग चल कर जा रहे हैं तो वो लोग इस साइड से जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई सोनू आगे चला गया, किधर तो नहीं मिल रहा। हम तीनों जा रहे हैं, शंकर भैया, सोनू भैया और मैं, तीनों हम तीनों चल रहे हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं। तो भाई अभी हमको बहुत मतलब थकान महसूस हुआ था, हम लोग ने थोड़ा इधर रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इधर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहो और आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलो मैं आपसे फिर से बाद में मिलता हूँ। ठीक है, तो भाई अभी उधर थोड़ा रेस्ट करके अभी हम दोनों निकल चुके हैं। आप लोग यहाँ से सामने का व्यू देखो। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरे। पर थोड़ा ऊपर आकर फिर अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं इधर तीनों। ठीक है, और सोनू किधर चला गया हमको नहीं पता, वो शायद ऊपर मंदिर के पास चला गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, तो अभी हम लोग इधर बैठ कर थोड़ा नींबू पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी और भी रास्ता बाकी है, अभी
और भी अभी चलना है हमको, तो अभी हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऊपर से अभी नीचे आ रहे हैं, तो अभी हम लोग नीचे से अभी ऊपर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो कि हम तीनों इधर बैठ कर पीने के लिए हमने नींबू पानी ऑर्डर दिया है। अभी सोनू भाई कुछ बोलो, आपका थकान हो रहा है? बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, ये 1.5 किलोमीटर शॉर्ट कट लिया हमने, तो खड़ी चढ़ा है ये। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना 1.5 किलोमीटर जो ये चढ़ाई था, ये बहुत खड़ी चढ़ाई था, ऊपर ऐसे ऊपर था, तो चढ़ने में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। अभी हम लोग चलेंगे, थोड़ा नींबू पानी पीकर हम फिर चलते हैं, फिर आगे, फिर मैं आप लोग को आगे जाकर मिलूंगा। ठीक है, तो चलो। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा, नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभुरे शिवाय शंकर, नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वर। इतना दूर आने के बाद भी अभी भी इधर 7 किलोमीटर बाकी है। ठीक है, तो अभी हमको और भी चलना होगा, और ऊपर से भाई सांस फूल रहा है, मतलब क्या बोलूँ अभी आपको, मतलब बहुत तकलीफ हो रहा है, मतलब पैर एकदम दर्द कर रहा है। ठीक है, बस यही लाठी के सहारे अभी हम लोग चल रहे हैं, मैं और सोनू भाई पीछे रह गए, बस इसीलिए कि मैंने आप लोग को सोचा कि चलो ये वाला व्यू मैं आप लोग को दिखा दूँ। ठीक है, तो अभी भी 7 किलोमीटर यहाँ से बाकी है, अभी हमको और पैदल चलना होगा, लेकिन हम पेट तो दर्द कर, हम चाहे तो मतलब घोड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमको यहाँ का जो चलकर जो जाएंगे उसमें जो मज़ा है वो और किसी में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग चल कर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखो और मैं आप लोग को एक एक जगह दिखाते जाऊँगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और क्या क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी भी हमको और भी चलना है। ठीक है, अभी भी और 7 किलोमीटर बाकी है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोगों ने यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर से चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो और मैं आज ही कोशिश करूँगा कि आप लोग को मंदिर की पूरा दर्शन करवा दूँ, या फिर हाँ कुछ पूरा कोशिश करूँगा, अगर शाम हो जाएगी तो देखते हैं कितने बजे हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है, फिर जो फिर आगे ब्लॉग में आप लोग बने रहो, फिर आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं, तो चलते हैं अभी। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का तेरी जटाओं में दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं तूने, सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, विषाम रित पे था छिड़ा, अमृत सभी मैं बाट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभुरे शिवाय शंकर, नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर सुब्रह्मण्य हरे महेश्वर, शंकरा। तो गाइस
अभी और 3.5 किलोमीटर बाकी है, हम लोगों ने फिर से चलना शुरू कर दिया और जितना ऊपर हम लोग आ रहे उतना ठंडा लग रहा है, ठीक है। और पीछे का व्यू देखो, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और इस साइड से थोड़ा आप लोग देख लो, ठीक है, कैसा दिख रहा है। तो अभी हम लोगों ने फिर से चलना शुरू कर दिया, देखते हैं। और 3.5 किलोमीटर बाकी है और उस साइड से शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा हेलीकॉप्टर चल रहा है। चलो अब जब भी आते हो इधर आपको एक दिन रुकना ही है, तो क्यों हम घाई घाई में चढ़े, क्यों ना हम धीरे धीरे से चढ़कर ऊपर जाए, ठीक है। तो पीछे का व्यू अभी आप लोग देखो, देख सकते हो उधर एकदम चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। अभी हम पहुंचने वाले हैं और 3.5 किलोमीटर है। हाँ, मैं डायरेक्ट आपको मंदिर के पास ही मिलता हूँ, या फिर अभी आप लोग सिर्फ यहाँ का नज़ारा एंजॉय करो, मैं मंदिर के पास जाकर सीधा आप लोग से मिलता हूँ। मेरा फ़ोन में भी अभी चार्ज इतना नहीं है, ठीक है, और मुझसे अभी चला नहीं जा रहा है। तो हम धीरे धीरे करके चलते हैं, चल रहे हैं, क्योंकि व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरा हाथ दुख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं आप लोग को मंदिर में जाकर मिलता हूँ। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।